हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर नगेट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने पनीर लिया हुआ है और पनीर को काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप देख सकते हैं कि पनीर को मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में ले लिया है, ये चाट मसाला है मेरे पास 1 चम्मच। यहाँ मैंने लाल मिर्च ली है, नींबू लेंगे आधा। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लीजिए, आप लेकिन लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो ही ये अच्छे से और चटपटे बनेंगे। हमने इस पे नींबू डाल लिया है। अब ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास जो रेडीमेड है, इसको हम 1 चम्मच लेंगे या आधा चम्मच, जिस हिसाब से आपका बैटर हो। तो यहाँ पर हम बड़ा चम्मच लिए हुए हैं, इसलिए इससे हम आधा चम्मच ले रहे हैं। बेसिकली हम इसका मैरिनेट तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको इसमें मिला देंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली जितना डालेंगे आप, अच्छी सी क्वांटिटी में डालिए तो अच्छा रहेगा। अब हम पनीर के टुकड़ों को डालकर इस मैरिनेड में मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है पनीर के, अगर आप ये नगेट्स बनाने जा रहे हैं तो, या पकौड़े बनाने। अब हम इनको अच्छे से, आपको ये करना है कि आप अच्छे से सारा मसाला पनीर के टुकड़ों में लग जाए और पनीर हमारा टूटे भी नहीं, इसलिए आप इसको कर दीजिए अच्छे से। हाथ से भी कर सकते हैं, किसी प्लेट में भी फैला कर सकते हैं कि मसाला चारों तरफ से लग जाना चाहिए अच्छे से। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। यहाँ देखिए, हमने आधा घंटा फ्रिज में रखा हुआ था और अभी निकाल लिया है आधे घंटे के बाद में, तो ये हमारे मैरिनेट हो गए हैं। फ्रीज़र में हमने नहीं रखा था, नॉर्मल फ्रिज में रखा हुआ था हमने आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर एक कटोरे में हम ले रहे हैं मैदा 1 चम्मच, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, मैदा थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 2 चम्मच ले लीजिए, और कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के। और एक कटोरे में हमने यहाँ ब्रेड क्रम, ब्रेड का चूरा लिया हुआ है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप बारीक वाली राई वो सूजी ले सकते हैं या रवा ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर का हम एक स्लरी बनाएंगे, यानी कि एक पेस्ट जैसा बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला है कहीं पर भी। देखिए, अब हम पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। ये देखिए, पानी डालकर हमें ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, इस तरह का घोल बनाना है। ये देखिए, अब हम पनीर का अपना एक तरफ हमने ब्रेड क्रम भी ले लिया है, और ये अब पनीर को हम इससे बेसिकली कोट करेंगे। एक प्लेट ले लेंगे और पनीर के टुकड़े लेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए, टुकड़ों में मसाला अच्छे से लग गया है, अंदर तक चला गया होगा अदरक लहसुन का। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब देखिए, अभी ये गीला हुआ है, इसलिए मैं पहले ही इसको ब्रेड क्रम में लगा रही हूँ, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो इस वाले घोल में धुल ना जाए। अब हम इसको इसमें डिप करेंगे। अब एक बार फिर से हम ब्रेड क्रम में ले जाएंगे इसको, और इस तरह से अच्छे से हम इसको दबा दबा कर रोल कर देंगे। और हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे, इसलिए एक बार फिर से इसमें डालेंगे। इससे अच्छा सा क्रंच आएगा और टेस्ट भी बढ़िया आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 2 बार ये वाला प्रोसेस किया है। 2 बार हमने इसको घोल में यानी स्लरी में डिप किया है, इसके बाद 2 बार हमने ब्रेड क्रम में। इसी तरह से हम सारे अपने जो हैं हमारे पनीर के टुकड़े, इनको भी हम कर लेंगे, कोट कर लेंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम का यूज़ करेंगे तो ये ब्रेड क्रम से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, उनका जो क्रिस्पीनेस होता है वो अलग ही होता है। तो आप देखिए, अच्छे से इनका शेप भी मेंटेन रहे, और इस तरह से आप इनको बनाकर तैयार कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है थोड़ा सा। अब हम तेल जब मीडियम हॉट हो तो हम इसमें डाल देंगे, और इनको बहुत ज़्यादा देर तक ना पड़ा रहने दें, पलट दें, अदरवाइज ब्रेड क्रम जो है हमारा वो जल सकता है। तो एक बार में जितने आप भून सकें, ऐसा आसानी से आ जाएं, उतने आप डाल लीजिए। अब इनको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये बहुत ही ईजी स्नैक्स है आपके घर में, जब भी कोई स्पेशल मेहमान आने वाले हों, और अगर आप पनीर से कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ईजी साबित हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुरंत ही बनाना है, तो आप इनको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, बिल्कुल बनकर तैयार है हमारे पास। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें हमें।